कुंडम थाना क्षेत्र अंतर्गत चौराई कला में विवाद कर पत्नी की हत्या कर डैम में पत्नी की लाश फेंकने वाले आरोपी पटवारी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने जानकारी देते हुए बताया कि चौराई कला में शादी में जाने के लिए आरोपी रंजीत की पत्नी ने कहा, इस पर रंजीत ने मना कर दिया। वहीं दोनों के बीच विवाद होने लगा, जहां विवाद इतना बड़ा कि रंजीत ने अपनी पत्नी का गला घोटा और उसकी लाश को बोरी में भरकर ड्रम में फेंक दिया। वही पुलिस ने आरोपियों पर संदेह होने पर उसे पकड़कर जब सघन पूछताछ की तो उसने अपनी पत्नी की हत्या कर डैम में लाश फेंकने की बात कबूल की है। वही पुलिस ने शव को डैम से बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। घटना कुंडम थाने से रिलेटेड है। चौरई गांव में रंजीत मार को अपने परिवार के साथ में रहता था। ये शेखपुरा में पटवारी की ड्यूटी में कार्यरत था और इसके पहले ये डिंडोरी में था। उसने डिंडोरी से ट्रांसफ़र लेकर के शेखपुरा में आया था और परिवार के साथ में चौरई कला गांव में रहता था। इसकी वाइफ का नाम सरला था। दिनांक 22 तारीख की रात में इसका अपनी पत्नी के साथ में विवाद हुआ और उसी बात पे से इसने अपनी पत्नी का गला दबा करके उसकी हत्या कर दी। 22 की रात में रंजीत मार्को ने अपनी पत्नी की डेड बॉडी को बोरियों में भर करके डैम में डालने के लिए ले गया था, किंतु ये डैम में डाल नहीं पाया और उसने डैम के पास की बड़ी झाड़ियों में उसको रख दिया था। उसके बाद फिर 23 तारीख को ये थाने पे आया। इसने अपनी पत्नी के बारे में मिसिंग पर्सन दर्ज करवाया ताकि ये मृतिका के परिजनों को और पुलिस को गुमराह कर सके। 23 के नाइट में जाकर के फिर इसने जो अपनी वाइफ की डेड बॉडी बोरे में भर के डैम के किनारे झाड़ियों में रखा था, इसको 23 के नाइट में इसने डैम में डाल दिया और फिर वहाँ से वापस आया और अपने परिजनों से भी उसने कांटेक्ट किया। 24 तारीख को और जब इसने मिसिंग पर्सन लिखाया था तो पुलिस को वैसे डाउट हो रहा था और इससे जब अपने पूछताछ किया स्ट्रिक्टली तो यही बातें खुल के आई कि इसने हत्या करना कबूल किया। इस संबंध में हम लोगों ने प्रॉपर कार्रवाई करते हुए डैम से उसकी पत्नी की डेड बॉडी रिकवर किया और विधिवत कार्रवाई करते हुए हमने इसमें 302-201 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत आरोपी रंजीत मार्को के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक हिरासत में भेजा है। मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में है और इन्वेस्टिगेशन में जो भी और एविडेंस आएंगे उसके अकॉर्डिंग हम कार्रवाई करेंगे। विवाद किस बात को लेकर एक पारिवारिक विवाद था इनका और जो बातें निकल करके आई है वो एक दूसरे के साथ में इस बात को लेकर के लड़ाई कर रहे थे कि डिवोर्स हो जाए। उसकी पत्नी भी उससे तलाक से आ रही थी और चूंकि इन लोगों ने 3 साल पहले ही शादी किया था कोरोना पीरियड में और ये लोग इंदौर में रहते थे, वहीं पे एक दूसरे के संपर्क में आए थे और इनका एक बच्चा भी है, पर ये लोग उस दिन अपने आपसी झगड़े की वजह से लड़ पड़े और उसमें ये घटना घटित हुई। ये भी बताया जा रहा है कि वो पत्नी जिद करती थी रिश्तेदारी में शादियों में जाने के लिए, इस बात से दोनों को ये एक्चुअली जो आरोपी रंजीत मार्को है उसके द्वारा ऐसा बताया गया कि उसकी वाइफ चाहती थी कि वो गांव में न रहे शहर में रहे और उसका तो ये भी कहना था कि वो कह रही कि इसको छोड़ के भी जाएगी। तो इस टोटल मिला करके इनका एक पारिवारिक इशू था, पारिवारिक विवाद था, उसी के चलते जो घटना घटित हुई।